आज हम आपको मैलॉक फंक्शन पढ़ाने वाले हैं। जैसा कि कल हमने डायनेमिक और स्टैटिक मेमोरी में डिफरेंस बताया था, तो आज हम मैलॉक फंक्शन से कैसे डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करते हैं बताने वाले हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, फिर मेन में जाना पड़ेगा जहाँ पर कोई भी डायनेमिक मेमोरी को एलोकेट करने के लिए आपको पॉइंटर की जरूरत होती है। और ये पॉइंटर जो होता है आपका बेस एड्रेस को उस ब्लॉक के बेस एड्रेस को होल्ड करता है। तो चाहे वो ब्लॉक एरे हो या डेटा स्ट्रक्चर हो, उस एरे के बेस एड्रेस को या स्ट्रक्चर के बेस एड्रेस को होल्ड करेगा। तो ये पॉइंटर आपका इंटीजर, फ्लोट या करेक्टर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम इंटीजर टाइप का पॉइंटर ले रहे हैं, तो क्योंकि किसी भी टाइप का पॉइंटर हो सकता है, इसलिए पॉइंटर हमारा वॉइड टाइप का होता है। लेकिन जब हम उसकी टाइप कास्टिंग करते हैं तो वो इंटीजर टाइप का या फ्लोट टाइप का या करेक्टर टाइप का बन जाता है। यहाँ पर हम इंटीजर पॉइंटर ले रहे हैं, इसलिए इंट स्टार पीटीआर ले रहे हैं। एन हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट है जो हम एरे में इनपुट करेंगे, और आई हमारे फॉर लूप के लिए यूज होगा। ये दोनों स्टैक में हमारी इंफॉर्मेशन यूज होगी, पीटीआर भी, तीनों स्टैक में हमारी, क्योंकि ये स्टैटिक मेमोरी वैल्यू है और ये पॉइंट करेगी डायनेमिक मेमोरी हीप में, जो कि एड्रेस हमारा एरे का बेस एड्रेस है उसको पॉइंट करेगा। अब हम एंटर करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, कितना एरे में एलिमेंट स्टोर होने जा रहा है। तो एरे में हमारे एन एलिमेंट स्टोर हो जाए, यहाँ पे देखिए एम्परसेंट लगा हुआ है, मतलब एड्रेस के लिए हम एम्परसेंट लगाते हैं किसी वेरिएबल में, तो वो वहाँ पे स्कैन कर रहा है और स्टैटिक वेरिएबल, इसलिए एड्रेस हम ले रहे हैं। लेकिन पॉइंटर में हमारा एड्रेस क्योंकि खुद ही स्टोर हो रहा है, इसलिए वहाँ पर एम्परसेंट हम नहीं लेंगे। एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट किया तो एन नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर हो जाएगा। फिर पीटीआर हमने लिया, पीटीआर में पॉइंटर में हम उस डायनेमिक मेमोरी को एलोकेट करेंगे जो कि एरे के एड्रेस का बेस एड्रेस को एलोकेट करेंगे, जिसके लिए हमें सिंटैक्स लेना पड़ेगा मैलॉक नंबर ऑफ एलिमेंट इनटू साइज ऑफ इंट, क्योंकि हमने इंटीजर टाइप लिया है इसलिए साइज ऑफ इंट लेंगे। अगर फ्लोट होता तो डिफरेंट होता, करेक्टर होता तो डिफरेंट होता। अब यहाँ पे इंटीजर लिया है तो 4 बाइट लेगा और n इंटू साइज ऑफ इंट करेंगे, तो मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं, तो साइज ऑफ इंट 4 होके 3 × 4 12 बाइट्स हो जाएगा, मतलब 3 एलिमेंट्स के लिए वो 12 बाइट्स को एलोकेट करेगा। और इसकी जब हम टाइप कास्टिंग करेंगे, इंटीजर टाइप हो जाएगा क्योंकि पॉइंटर तो वॉइड टाइप का होता है, तो उसको इंटीजर टाइप बनाने के लिए हमें इंट स्टार करेंगे, तो हम जो डायनेमिक एरे आई है वो पीटीआर में उसका बेस एड्रेस इंटीजर टाइप में स्टोर हो जाएगा। चेक इफ द मेमोरी हैज बीन सक्सेसफुली एलोकेटेड बाय मैलॉक और नॉट। अब हम चेक करेंगे कि मेमोरी प्रॉपरली उसमें स्टोर हुई कि नहीं। तो ये आपको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का सिंटैक्स समझ में आ गया होगा कि एन नंबर ऑफ एलिमेंट है, साइज ऑफ इंट ले लिया और टाइप कास्टिंग इंट स्टार किया, क्योंकि हमारा पॉइंटर पता नहीं होता कि किस टाइप में हम डायनेमिक मेमोरी स्टोर करने जा रहे हैं, तो टाइप कास्टिंग करके हम उसको इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करके एरे का बेस एड्रेस को स्टोर करते हैं। मान लीजिए बेस एड्रेस 2000 है, तो साइज ऑफ इंट 4 बाइट होती है, तो पहले एलिमेंट के बाद पहला एलिमेंट जो होगा 2000 प्लस 0 हो जाएगा पोजीशन, तो 0 × 4 क्या हो जाएगा, फर्स्ट बेस एड्रेस 2000 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट के लिए फिर 4 बाइट यूज होगी, तो 1 × 4 हो जाएगा, तो 2004 बेस एड्रेस हो जाएगा, फिर नेक्स्ट के लिए 2008 एड्रेस हो जाएगा। अब इस तरह से हमारी बेस एड्रेस चेंज होता रहेगा और सेल एरे की चेंज होती रहेगी और उसमें जो एलिमेंट है वो स्टोर होता रहेगा। तो उसको स्टोर करने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि डायनेमिक एलोकेटेड मेमोरी जो मैलॉक के द्वारा एलोकेट हुई है वो सक्सेसफुली एलोकेट हुई है कि नहीं हुई है। तो हम उसके लिए पॉइंटर को चेक करेंगे, अगर पॉइंटर नल है तो मेमोरी नॉट एलोकेटेड हो आ जाएगा और एग्जिट प्रोग्राम हो जाएगा। अब ये मेमोरी कहाँ से लेगा, ये हीप से लेगा, लेकिन पॉइंटर और जो हमारा एन और आई है वो हमारा
स्टैक में स्टोर होगा, स्टैटिक वैल्यू है। अब यहाँ से जब अगर मेमोरी एलोकेट हो जाएगी तो मेमोरी हैज बीन सक्सेसफुली एलोकेटेड आ जाएगा, एल्स पे आएगा और हमारे नंबर को वन बाई वन वो रीड करेगा जो हम टर्मिनल से एंटर करेंगे। यहाँ पर हम असाइन कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट जो आई की वैल्यू आ रही है इसमें प्लस वन कर दे रहे हैं, तो पहली जीरो वैल्यू तो पहले वन हो जाएगा, फिर टू हो जाएगा, फिर थ्री हो जाएगा। इट्स डिपेंड कि नंबर ऑफ एन कितना है, अगर थ्री है तो वन टू थ्री हो जाएगा, अगर फोर है तो वन टू फोर हो जाएगा। इस तरह से पॉइंटर में आपकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, सेल की वैल्यू। प्रिंट द एलिमेंट ऑफ द एरे, द एलिमेंट ऑफ द एरे। अब यहाँ पर पी टी आर आई पोजिशन पे उसका एड्रेस स्टोर होगा ना कि, और उसको पॉइंट करेगा एरे में, जिससे कि आपकी वैल्यू वन बाई वन प्रिंट होगी। तो जब हमारी पूरी वैल्यू एड्रेस में स्टोर हो जाएगी तब हम उसको प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए फॉर आई इक्वल्स टू जीरो, आई इज लेस देन एन, प्लस प्लस आई, प्रिंट परसेंट डी प्रिंट आई। तो अब ये वन 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 बाई वन सारी वैल्यू को प्रिंट कर देगा जो हमने यहाँ पे फॉर लूप में पॉइंटर के अंदर डाली है। जब हमारा पॉइंटर की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी तो हम उसको फ्री भी करेंगे। फ्री करने से क्या होगा, मेमोरी फ्री हो जाएगी और नेक्स्ट टाइम जब हम फिर से मेमोरी को लेंगे तो हमें फ्री मेमोरी मिलेगी और एग्जॉस्ट नहीं होगी मेमोरी, जितनी यूज हुई है वो उसी समय क्लियर हो जाएगी। तो इसको रन करके आपको दिखाते हैं कि क्या करेगा ये। तो इसके पहले सबसे पहले यहाँ पे क्लियर स्क्रीन लगाने के लिए हम लोग ने दो हेडर फाइल ली है जिसमें इनपुट आउटपुट वैल्यू के लिए यूज किया है, और तीसरी हेडर फाइल ले लेते हैं ओनियो डॉट एच, और यहाँ पर जैसे ही वेरिएबल डिफाइन होता है उसके बाद यहाँ पे सी एल आर एस सी आर दे देते हैं तो क्लियर स्क्रीन हो जाएगी। और रन करके देखते हैं, अब देखिए क्लियर स्क्रीन हो गई और पहले की जो वैल्यू पहले से प्रिंट थी वो हट गई। अब यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट हम 4 लेते हैं, मतलब इंडेक्स हमारा 0 टू 3 जाएगा लेकिन वैल्यू हमारी 1 टू 4 होगी और मेमोरी एलोकेट प्रॉपरली मैलॉक के थ्रू हो गई, जो कि प्रोग्राम के अंदर आपको हमने समझाया था, और एलिमेंट ऑफ एरे 1 2 3 4 प्रिंट हो गया। अभी अब ये देखते हैं कि हम नेक्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट अगर चेंज करते हैं तो वो वैल्यू चेंज करता है कि नहीं। तो इसको फिर से रन करिए, और जब अब रन करिएगा मान लीजिए हमने 6 ले लिया तो अब एरे की वैल्यू देखिए 6 तक जाएगी। जब आप स्टैटिक एरे डिफाइन करते थे तो जितनी वैल्यू डिफाइन करते थे उतनी ही वैल्यू एरे में आप ऐड कर सकते थे या कम कर सकते थे लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे इंस्टेंटली आप एन के थ्रू देते हैं कि हम कितने सेल की एरे बना रहे हैं और डायनेमिक वैल्यू एलोकेट करते हैं, जो कि डिपेंड करती है मैलॉक फंक्शन पे। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट जब आप देते हैं तो साइज ऑफ इंट के हिसाब से एरे की वैल्यू चेंज होती है, सेल की वैल्यू चेंज होती है और इसमें डायनेमिक वैल्यू जो एलोकेट होती है वो भी चेंज होती है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप यहाँ पर 12 नहीं लिख सकते हैं, 12 देने से फिर फिक्स हो जाएगा। साइज ऑफ इंट जरूर दीजिए और नंबर ऑफ एलिमेंट जरूर दीजिए जिससे कि आपकी एरे डायनेमिक हो और उसकी सेल की वैल्यू चेंज हो। तो मेरे ख्याल से अब आपको डायनेमिक एलोकेशन खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ गया तो आप कमेंट में जरूर क्वेश्चन करिए और पूछिए जो पोर्शन आपको समझ नहीं आया। यहाँ पे फ्री पीटीआर इसलिए किया है कि मेमोरी आपकी डायनेमिक मेमोरी जो है वो फ्री हो जाए, जिससे नेक्स्ट टाइम जब आप मेमोरी यूज कीजिए तो मेमोरी एग्जॉस्ट ना रहे और आपको फ्री मेमोरी मिले। दिस इज ऑल टुडे व्यूअर, इफ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रतन अग्रवाल आईटी इंफॉर्मा, फॉलो माई ऑल सोशल मीडिया लिंक। नेक्स्ट टाइम आई विल टेक द केलॉग फंक्शन विच इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम मैलॉक फंक्शन, जो मैलॉक फंक्शन से थोड़ा सी फर्क है और उसको आप समझकर उसको भी यूज करना सीखिएगा। थैंक यू व्यूअर्स।